हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एमपीआर आरओ चैनल। अभी हम लोग सीखेंगे 500 एलपीएच आरओ प्लांट का है, कनेक्शन कैसे करना है, आरओ प्लांट कैसे काम करता है सीखेंगे। अभी देखिए, ये नया आरओ प्लांट इंस्टॉल किया था, इसमें ठीक से पानी आ नहीं रहता। आरओ का अंदर कुछ प्रॉब्लम लगा हुआ था, प्रेशर अप डाउन हो रहा था इसमें से। इसका प्रॉब्लम क्या है, आरओ को अंदर इनपुट वाटर कम, आरओ का इनपुट वाटर बहुत कम मिल रहा है इसका वजन से। अब देखिए प्रेशर केज में भी पूरा कम आ रहा है मीटर में। अभी इसका पाइपलाइन कनेक्शन दूसरा लगवाना, चेंज करना है। अब पानी ठीक से नहीं मिल पा रहा है इससे, इसका वजन से आरओ का प्रेशर अप डाउन हो रहा है। अब चलते हम पाइपलाइन चेंज करवा देते हैं। देखिए अभी वेसल भी डायरेक्ट करके रखा है, इसमें पूरा बाईपास करके रखा है, क्योंकि फिल्टर में पानी ज़्यादा खींचता है। देखे परंत यही 500 LPH का आरओ प्लांट है, नया आरओ प्लांट लगाया था, ये न्यू आरओ प्लांट का है। अभी तक 5 आरओ प्लांट लगा हुआ था, ये 500 में तीसरा आरओ प्लांट। हमारा वीडियो में देखा होगा सेम आरओ प्लांट ही लगता है। देखिए अब पाइपलाइन काट रहे हैं, इसमें से नल से डायरेक्ट दिया हुआ था, नल वाला टैप से कनेक्शन दिया हुआ था, इससे बहुत कम पानी आ रहा था। अभी हम लोग दूसरा कनेक्शन लगा रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब देखिए दूसरा कनेक्शन, इसमें बाल वाल लगेगा, यूनियन लगेगा, LT जॉइन लगेगा, थोड़ा साल्वेंट चाहिए। 3x4 का ये पाइप है। देखिए इसमें 500 LPH आरओ प्लांट का कनेक्शन करवा रहे हैं। देखिए आप राइट साइड में देखिए, पहले पुराना वाला कनेक्शन था, बहुत कम पानी आता था उसमें से। अभी नया कनेक्शन बनवा रहा है। देखिए पहले कुछ भी नहीं लगाया था, बाल वाल यूनियन कुछ भी। अभी हम लोग काट के इसका अब यूनियन लगवा रहे हैं। देखिए अब देखिए फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा था एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, ये CPVC का पाइप पे काट दिया है। अब इसका एक यूनियन लगा देते हैं। देखिए 3x4 का यूनियन लगाना है, बाल वाल भी लगाना है, पहले यूनियन लगा देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब यूनियन लगा के आराम। देखिए पाइप काट दिया है, अब पहले वाला का भी दिखाऊंगा। देखिए इसका टुकड़ा करना है, एक यूनियन का भी है, एक बाल वाल का भी, इसलिए दो टुकड़ा काट रहे हैं इसका। CPVC 3x4 का पाइप है, देखिए यूनियन उसमें लगाया है। देखिए पाइप काटा है, उसमें यूनियन लगाया। अब सॉल्यूशन लगा के अब देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें से यूनियन लग रहा है। देखिए फ्रेंड्स, अब मोटर से काट दिया। क्या है, यूनियन ज़रूरी है, गेट वाल भी ज़रूरी है पानी बंद करने के लिए, बाल वाल भी ज़रूरी है, का बाल वाल भी बोलता है, गेट वाल भी बोल सकता है। अब देखिए यूनियन लगाना से कभी भी खोल के इधर उधर कर सकता है, मोटर कुछ प्रॉब्लम होना से खोलने के लिए आसान पड़ जाता है, इसलिए यूनियन लगाना ज़रूरी है फ्रेंड्स। अब देखिए 3x4 का एक यूनियन डाल रहे हैं हमने। देखिए एक सैम्बल पहले लगा हुआ था, अब देखिए आप लोग का सामने अब यूनियन लगा रहा है। देखिए फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा था एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, यूनियन लग रहा है, अब यूनियन लग गया है। अब देखिए फ्रेंड्स, यूनियन कैसे लगता है। प्लम्बरिंग का एकदम आसानी से कर सकता है काम, थोड़ा दिमाग यूज करके करना है, क्योंकि पहले यूनियन लगाना है। ठीक है, यहाँ से गेट वाल नहीं लगाना, अगर बाल वाल लग जाएगा आगे यूनियन लगेगा, पानी बंद नहीं होता है, ये भी दिमाग से काम करना पड़ता है फ्रेंड्स। अब देखिए यूनियन लग गया है। देखिए पहले यूनियन है, देखिए इसका काम हो गया है। अब चलते हैं बाल वाल लगाने के लिए, बाल वाल का काट दिया पाइप भी है। अब देखिए यूनियन का
अब देखिए फ्रेंड्स, ये लग जाएगा बाल वाल एकदम इसी आसानी से। अब देखिए हो गया, बाल वाल का काम भी हो गया है। ठीक है, इतना ये प्लम्बिंग का काम है, एकदम बहुत आसानी तरीके से कर सकता है फ्रेंड्स। अब देखिए बाल वाल कभी भी बंद करके लगाना है, खोल के नहीं लगाना है बाल वाल का। देखिए अब चलता फ्रेंड्स, अब बाल वाल हो गया है। देखिए मोटर का, अब देखिए दाहिने तरफ है, देखिए एकदम छोटा वाला था, एकदम पाइप पास करके रखा था, वो पाइप भी हमको दिखाऊंगा पहले वाला कनेक्शन का भी है। अब देखिए अब ये नया कनेक्शन बना रहा है आर ओ प्लांट के लिए, 500 LP का 4 ओ प्लांट का कनेक्शन है। अब देखिए पहले वाला कनेक्शन भी दिखाऊंगा आपका, ये नया कनेक्शन है ईसी पाइप से, जो टैब वाला कनेक्शन से पहले जोड़ा हुआ था, एकदम कम पानी आ रहा था इसलिए इसका भी डायरेक्ट करवा दिया। अब देखिए फ्रेंड्स बढ़िया पानी आने लगेगा। अब थोड़ा 3x4 का ये पाइप थोड़ा काट के वहाँ से टी लगाना है। ये देखिए फ्रेंड्स यही वाला कनेक्शन है, आप देखिए उसमें से कितना पानी आएगा, बहुत कम पानी आता है नल वाला से, इसलिए इसका डायरेक्ट कर रहे हैं हमने। अब देखिए ये पाइप काट के अब यहाँ से एक टी लग जाएगा, अब टी दोनों तरफ राइट लेफ्ट का टी चला जाएगा, उसके बाद एक नीचे वाला में आ जाएगा कनेक्शन। और थोड़ा भी काटना पड़ेगा ऐसे भी है, और थोड़ा काटना है सब सही रहेगा, नहीं तो दिक्कत पड़ जाएगा, वहाँ तक काटना ही पड़ेगा। और देखिए वो भी काट लेते हैं, देखिए फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा था एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स सब मेहनत का काम हो रहा है, इसमें से वीडियो अच्छा लगा था लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो में जो भी पूछताछ करना है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है फ्रेंड्स। अब देखिए पाइप कट गया है, अब टी लगाना है इसमें दोनों तरफ का है। अब देखिए आपका सामने सब काम हो रहा है, कोई काट फूट का वीडियो नहीं है। देखिए फ्रेंड्स सब सीधा ही चल रहा है, आप देखिए फ्रेंड्स तीन है, तीन कॉर्नर का तीन हो गया, अब उसमें भी लग गया है देखिए पाइप का, पहले एक साइड लग गया है अब दूसरी साइड का है। अब देखिए नीचे रावटर मोटर का है, ये वीडियो बनाया था रावटर मोटर का है। अब देखिए फ्रेंड्स ये रावटर मोटर है, ये कनेक्शन है, अब टी कनेक्शन है, इसका पाइप थोड़ा ऊपर उठा के लगेगा लग जाएगा, ज़्यादा टाइट हो रहा था इसलिए और थोड़ा कम कटवा रहा है, पहले छोटा से काटा था अब और थोड़ा काट लिया। अब देखिए फ्रेंड्स अब देखे काट दिया, अब बहुत आसानी तरीके से लग जाएगा फ्रेंड्स, अब कोई दिक्कत नहीं खींचना का। देखिए अब ये एकदम थोड़ा ऊपर उठाना एक पाइप का, एकदम टाइट घुस जाएगा। अब साल्वेंट लगा रहा है देखिए फ्रेंड्स, अब साल्वेंट लग गया है, साल्वेंट लगने के बाद बस टी से करना है कनेक्शन। देखिए फ्रेंड्स अब ऊपर उठाना है, हल्का ऊपर उठा के फिर सीधा कर देना है, अब हो गया काम। अब देखिए फ्रेंड्स अब नीचे से ये मोटर का कनेक्शन वाला, ये कनेक्शन वाला का लगाना है। देखिए इसमें सॉल्वेंट लगा दिया, अब सॉल्यूशन लगाने का बात है, वो टी में लगाना है बस, इतना ही प्लम्बिंग वर्क का है। देखिए थोड़ा मेहनत का काम होता है इसमें से, दिमाग भी यूज़ करना पड़ता है।
अब देखे प्रांत, अब हो गया है का काम। ऊपर भी हो गया, नहीं हुआ रे, गुस्सा गया लग रहा है। अब देखिए फ्रेंड्स कनेक्शन कैसे लगाया। वीडियो अच्छा लगा था एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स। देखिए वहीं से आ रहा है, वहीं से आके देखिए बाल वाले पानी खोलेगा। देखिए यूनियन भी है, यहाँ से बंद करके इसमें कर सकता है, यूनियन आगे पीछे नहीं करता है। वो देखिए फ्रेंड्स पुराना कनेक्शन था, टैब में जोड़ा हुआ था, इसलिए बहुत कम पानी आ रहा था, अब देखिए अब बढ़िया से दिखाई दे रहा है आपका है। देखिए नई कनेक्शन का भी, पुराना कनेक्शन भी काटा हुआ था। ये रावटर मोटर का है, देखिए यहाँ से ये वेसल है, अभी पहले बाईपास करके रखा था। देखिए अब वेसल का चालू करना पड़ेगा इसमें से। देखिए फ्रेंड्स सब लगा दिया, पानी खोल दिया फ्रेंड्स। अब देखिए यूनियन से लीक हो रहा है, यूनियन टाइट कर देते हैं। देखिए लूज करके देखा था, यार रिलीज कर लिए उसका खोला था। अब देखिए बढ़िया हो गया, अब कनेक्शन चेंज कर दिया। देखिए पुराना कनेक्शन का, नया कनेक्शन का। अब देखते हैं वेसल इसका बैक वॉश करवा देते हैं। देखिए पहले पाइप वॉश करके रखा था, पानी कम हो रहा था इसका वजह से। देखिए अब बैक वॉश से, देखिए अब बैक वॉश में रख दिया है, अब आर ओ चालू करता है। देखिए फ्रेंड्स ये पैनल बोर्ड है, देखिए ये पैनल बोर्ड है, इसमें मैनुअल में डालना है। ऑटो में तो मैनुअल डाल दिया है, मैनुअल डाल के रावटर मोटर का चालू करना पड़ेगा। अब चालू कर दिया रावटर मोटर है, अब चल रहा है। अब देखिए बैक वॉश में पानी कैसे आ रहा है, देखता है। पहले सैंड वाला है इसलिए उसमें ज़्यादा गंदा नहीं आएगा। देखिए अब सही पानी आ रहा है, साफ पानी है। ये बैक वॉश का ड्रेन वाटर है, अब बैक वॉश कर दिया, चेक कर लिया, ये सही है। अब ये मल्टीपोर्ट वाल्व है, देखिए फ्रेंड्स इसका घुमा के सर्विस करना पड़ता है। अब देखिए बैक वॉश में हो गया, रिंस में, नेक्स्ट रिंस प्रोसेस में है। अब देखिए रिंस में भी हो गया, अब फिल्टर में डाल देते हैं इसमें। ये पानी ठीक ठाक है, बढ़िया है ये। देखिए यार ले रहा है, जैसे पानी छोड़ छोड़ के आ रहा, मतलब उसमें यार रिलीज हो रहा है। अब हो गया सैंड वाला, अब कार्बन वाला देखते हैं इसमें कैसे। देखिए डायरेक्ट पहले जोड़ा हुआ था, अभी बैक वॉश कर रहे हैं। कभी भी करना था वैसे एक बार बैक वॉश करना पड़ता है। देखिए परंत वाह रे वाह, गंदा आएगा लग रहा है, ओ बहुत मिट्टी आने लग गया फ्रेंड्स इसमें। था बैक वॉश में पूरा जाम पड़ा है लग रहा है। देखिए नया आर ओ प्लांट का हालत क्या है। देखिए फ्रेंड्स इसका बैक वॉश करने के बाद कितना मटेरियल जा रहा है, इसका टिक टाक सर्विस नहीं किया लग रहा है इंस्टॉल करने वाला है ने। देखिए हमने बैक वॉश करवाया इसका है, अब देखिए सब कार्बन वाला का है, सब चल रहा है इसका। कम से कम 20-30 मिनट चलाएगा तक क्लियर हो जाएगा एकदम। अब देखिए चालू में रखा है, वीडियो अच्छा लगा था एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स। अब देखिए बैक वॉश प्रोसेस में कैसे इतना गंदा पानी आ रहा है, अभी देखिए। देखिए फ्रेंड्स बहुत गंदा पानी आ रहा लग रहा है, अब क्लियर होना लग गया पानी। अब देखिए अब क्लियर हो रहा है धीरे धीरे। देखिए पहले काला था है, अब देखिए साफ पानी आने लग रहा है। ये मल्टीपर्ट वाले रिंस प्रोसेस में डाल दिया, अब देखिए रिंस में एकदम पहले वाला पुराना कंडीशन में आने के लिए रिंस प्रोसेस में डालता है। अब देखिए बैक वॉश में, अब देखिए कितना गंदा पानी आ रहा है, ये क्लियर हो जाएगा ठीक है, फिर फिल्टर में रख सकता है हम लोग। अब देखिए क्लियर हो गया जल्दी। देखिए फ्रेंड्स दोनों प्रोसेस में कम्प्लीट हो गया है, बैक वॉश में रख दिया, अब फिल्टर में रख सकता है। अब देखिए फ्रेंड्स फिल्टर में रख के आर ओ चालू कर देते हैं। देखिए फ्रेंड्स आर ओ चालू है, बढ़िया चल रहा है, प्रेशर भी है। अब देखिए मीटर से भी सही आ रहा है, एकदम 8-9 के जी प्रेशर से चल रहा है आर ओ, एकदम बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए रावटर मोटर भी चालू कर दिया है। अब देखिए अब दोनों फिल्टर में, अब वेसल दोनों काम कर रहा है बढ़िया से।
देखिए उसका पूरा एकदम पानी मिल रहा है। अब देखिए प्रेशर भी अप डाउन नहीं हो रहा है, एकदम सही चल रहा है। रिजेक्ट वाटर का कम से कम 1000 का ऊपर जा रहा है, वेस्टेज वाटर का है देखिए। अब ड्रिंकिंग वाटर 500 LPH आना है इसके, 500 LPH इसका लिमिट ही है। देखिए ये प्रेशर वाल्व है, बाईपास करता है, तो पूरा नहीं खोलना है। अब देखिए प्रेशर बढ़ेगा, देखिए वो मोटर का प्रेशर था है, बाईपास करके रखा है पूरा है, बाईपास नहीं करना है कभी भी, थोड़ा हल्का से आधा ही करना है, नहीं तो खाली मोटर घूमेगा, मोटर का अंदर पानी नहीं मिलेगा। अब देखिए इसका करता है, अब उसका बंद किया है। अब देखिए मीटर का है, देखिए फ्रेंड्स मीटर का है, मीटर भी उठ गया है, एकदम पूरा बढ़िया चल रहा है। देखिए बायन तरफ वाला ये ड्रिंकिंग वाटर का है, 4800-900 आ रहा है। देखिए फ्रेंड्स 4000 बोल रहे हैं, 480 आ रहा है। देखिए ये 1200-1100 वेस्टेज वाटर है, राइट तरफ वाला वेस्ट वाटर है, लेफ्ट साइड वाला ड्रिंकिंग वाटर का है। देखिए उसमें दबा के जा रहा है, एकदम बढ़िया चल रहा है फ्रेंड्स, आर वो कोई प्रॉब्लम नहीं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स, जो भी पूछताछ करना कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।